हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित, और आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी बताऊंगा, सिर्फ स्टॉक्स के नाम नहीं बताऊंगा, जिससे आपको भी आगे जाके उसका बेनिफिट मिल सके, आपको उसका फ़ायदा हो सके, खुद आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्टॉक ब्रेकआउट के लिए रेडी है कि नहीं है। तो शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मैंने जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया हुआ है वो एक ज़ेरोधा नाम का ब्रोकर है, उनका काइट प्लेटफॉर्म है। इसे मैं यूज़ करता हूँ अपने डे टू डे इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। ज़ेरोधा में अकाउंट खुलने पर आपको इस तरह का एप्लीकेशन यूज़ करते आता है जिसमें चार्टिंग्स अवेलेबल होती हैं। अगर आप ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो इसी वीडियो में मैंने नीचे एक लिंक दी हुई है, वहाँ आपको आपके सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है, योर नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, और वो सब भरने के बाद ज़ेरोधा की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत बार आपने सुना होगा काफ़ी सारे चैनल्स के ऊपर जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड होते हैं, बिजनेस चैनल होते हैं, उसमें काफ़ी एनालिस्ट कहते हैं कि ये स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया है, ये स्टॉक ने आज पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट दिया है, ये स्टॉक ने नेगेटिव ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट एक्चुअली होता क्या है, हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है या नहीं है। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑन आइडेंटिफाइंग कौन सा स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है या कहीं नहीं दिया है, सबसे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं निफ्टी को। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि निफ्टी ब्रेकआउट के लिए रेडी है या नहीं है, या फिर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि निफ्टी किस डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। निफ्टी एनालाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम निफ्टी एनालाइज करना जान जाते हैं तो फिर उस हिसाब से हमें ये भी अंदाज़ा मिल जाता है कि बाकी के स्टॉक्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि जिस तरफ निफ्टी जाता है मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी स्टॉक्स उसी डायरेक्शन में जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे स्टॉक्स जाते हैं उसी डायरेक्शन में, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक्स निफ्टी के डायरेक्शन में ही फ्लो करते हैं। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने करीबन लास्ट 7 सेशंस ट्रेड करने के बाद आज के दिन 16th ऑफ नवंबर को पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब निफ्टी ने अपना 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन करके और डिसाइसिवली काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ उसने 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया हुआ है और 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहा है। इस पूरे आज के सेशन में अगर आप ओपन करते हैं तो मैंने 15 मिनट्स का ग्राफ लगाया हुआ है जिसमें निफ्टी ने एक बार भी 10 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं है। इस जगह उसने तोड़ने का ट्राई किया हुआ है लेकिन बुल्स ने वापस इसे ऊपर खींच लिया है। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी आज पॉजिटिव ट्रेंड में था। मैक्सिमम एनालिस्ट जो मार्केट में होते हैं ये 15 मिनट्स और वन डे के चार्ट पर ही पूरा मार्केट एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम होता है ये काफ़ी आपको टेक्निकली प्रॉपर डेटा देता है जिसमें आप एनालाइज कर सकते हो कि निफ्टी या कोई भी स्टॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि निफ्टी 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आज पूरे दिन पॉजिटिव ट्रेंड में रहा, तो हम अब ये मान के चल रहे हैं कि अगर ग्लोबल क्यूज या ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव है और निफ्टी ने भी अभी डाउन ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ अपना मूव दिया हुआ है तो आगे चल के निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में हो सकता है। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही दिक्कत लगती है कि निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस कर लिया है, लेकिन निफ्टी को यहाँ पर 200 डे का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो ऐसे हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से 10,270, 10,280 के आसपास तक जाए और कुछ रेजिस्टेंस बेयर करे, लेकिन अगर निफ्टी 10,280 को ब्रेक करता है देन निफ्टी कैन अगेन गो अप टू 2,300 और 2,400 ऑल्सो। निफ्टी के इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने आज कुछ स्टॉक्स ढूंढे हैं जिसमें मुझे लगता है कि ये अब ब्रेकआउट के लिए रेडी है, और ये स्टॉक्स भी
पूरी तरह जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है 50 डे 10 डे और 200 डे मूविंग एवरेज पर ही डिपेंडेंट है। अगर आपको जानना है कि मैंने ये 10 डे 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज किस तरह लगाया हुआ है अपने चार्ट्स पर, तो इस पे हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरे डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है कि ज़ेरोधा के काइट प्लेटफॉर्म पर हम ये सारे सेटिंग्स या स्टडीज़ किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सर हम लोग देखते हैं आज के लिए। अब जो पहला स्टॉक मैंने चुना हुआ है वो है पावर ग्रिड। किसी भी स्टॉक को रेकमेंड करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरह का ट्रेड चाहे बाय हो या सेल हो लेना चाहेंगे मेरे किसी भी सजेस्टेड स्टॉक्स में, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार चेक कर लीजिए, उसे डिस्कस कर लीजिए और उसके बाद ही आप इन स्टॉक्स में निवेश कीजिए। जो भी मैं स्टॉक्स इन वीडियो में बता रहा हूँ सारे मेरे रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट स्टॉक जो मैंने आज सिलेक्ट किया हुआ है वो है पावर ग्रिड। अगर मैं पावर ग्रिड का चार्ट देखता हूँ तो पावर ग्रिड करीबन लास्ट 3 to 4 days से, मतलब करीबन टू वीक से, करीबन 30th of December से एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी 50 डे मूविंग एवरेज है और ये मेरी 200 डे मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ कट किया हुआ है, विच इज़ अ बेरिश साइन। और अगर मैं इसमें देखता हूँ तो इस 50 डे मूविंग एवरेज को पावर ग्रिड के स्टॉक ने एक बार ब्रेक किया हुआ है एक दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से उसमें प्रेशर आ गया है और वो डाउन ट्रेंड की तरफ गया हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर मैं इसका रीसेंट चार्ट देखता हूँ तो आज पावर ग्रिड के स्टॉक ने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ नीचे से 10 डे मूविंग एवरेज ने 50 डे मूविंग एवरेज एज कट करते हुए और 200 डे मूविंग एवरेज के पास जाके इसने रेस्ट कर लिया है। और जो लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल है वो काफ़ी बुलिश कैंडल इसने बनाई हुई है। इसी चीज़ को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि पावर ग्रिड एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा 10 टू 15 पॉइंट्स का रन अप दे सकता है। अगर मैं इसी स्टॉक का RSI भी चेक करता हूँ तो ये भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स पर है, ये करीबन 60-62 के पॉइंट पर है और अप ट्रेंड में है। और अगर मैं MACD ग्राफ भी देखता हूँ तो ये भी अप ट्रेंड की तरफ ही है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। एक और एक स्टॉक है जिसके ऊपर मैं काफ़ी बुलिश हूँ अभी फ़िलहाल, और वो है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिसे हम JSPL के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी हमने देखा हुआ है कि सिमिलर पैटर्न फॉर्म हुआ है। पिछली बार जब भी इसने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया हुआ है उसके बाद काफ़ी अच्छी रैली आई है अपवर्ड डायरेक्शन में। इस बार भी हमें दिखता है कि इस स्टॉक ने नीचे लेवल से काफ़ी अच्छी तरह बाइंग आई हुई है और 10 डे मूविंग एवरेज ने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों को कट करते हुए अच्छे वॉल्यूम के साथ अपने आप को ग्रो किया हुआ है। हालांकि इस स्टॉक में मुझे एक चीज़ लग रही है जो थोड़ी सी मेरे लिए कंफ्यूजिंग है या डाइसी सिचुएशन क्रिएट करता है, और वो है कि इसका RSI काफ़ी ज़्यादा हो गया है, करीबन 70 के आसपास होवर कर रहा है और जो लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल है वो भी बेरिश दिखा रही है। तो अगर ये 163-164 के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो ये स्टॉक यहाँ से करीबन 5% का रिटर्न, मतलब करीबन 8 से 10 पॉइंट आपको इमीडिएट बेसिस पे दे सकता है। इसी थियरी और टेक्निक पे मैंने कुछ और स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, उसमें एक है चंबल फर्टिलाइज़र। इसमें भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ग्रो किया हुआ है और 10 डे और 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे को कट करते हुए ऊपर की डायरेक्शन में गया हुआ है।
यहाँ भी एमएसीडी तो मुझे दिखा रहा है कि ये अपर डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन आरएसआई थोड़ा ओवरबॉट रीजन में होने की वजह से शायद ये स्टॉक अपने आप को थोड़ा सा रीएडजस्ट करे एक दो पॉइंट के लिए, और जैसे ही आरएसआई इसका 60 के लेवल आरएसआई इसका 60 लेवल के आसपास आ जाएगा, ये स्टॉक वहाँ से बाउंस करने के लिए रेडी हो जाएगा। अगला स्टॉक जो है वो है इंडिया सीमेंट। सारे ही स्टॉक उसी टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें भी आज के दिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी बाइंग आई है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक अपट्रेंड में गया हुआ है। इसने 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए काफ़ी बुलिश कैंडल बनाई है लास्ट 15 मिनट्स में। यहाँ भी एमएसीडी मुझे नीचे से ऊपर की तरफ कट करते हुए दिख रहा है, विच इज़ अ साइन ऑफ अ बुलिश कैंडल। और इसमें इसी चार्ट्स को देखते हुए एमएसीडी या आरएसआई को सिग्नल्स देखते हुए लगता है कि ये स्टॉक भी ऊपर जा सकता है। अगला स्टॉक जो मैंने देखा है, एक आखिरी स्टॉक है, वो है बीईएल। बीईएल में भी मुझे कुछ ऐसा ही पैटर्न लग रहा है। लास्ट 3 or 4 सेशन से बीईएल में काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई थी और निचले लेवल से काफ़ी अच्छी बाइंग आके स्टॉक ने अपने आप को रिकवर किया हुआ है। अगर हम लोग आज का सेशन देखते हैं तो स्टॉक ने करीबन 177 लेवल से स्टार्ट करते हुए 180 लेवल तक करीबन 3 पॉइंट का ग्रो किया हुआ है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि लास्ट 15 मिनट्स का कैंडल है वो काफ़ी बुलिश है और इसने 10 डे और 200 डे दोनों ही लाइंस को ब्रेक करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म किया हुआ है। एक और लास्ट और फाइनल स्टॉक जो मेरे रडार पर रिसेंटली अभी आया हुआ है और वो है मदरसन सुमी। इस स्टॉक को अगर मैं देखता हूँ तो ये स्टॉक ने करीबन लास्ट 1-1.5 वीक में अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी हद तक 30-40 पॉइंट से डाउन हुआ है, करीबन 372 से 347 के आसपास आया हुआ है। लेकिन इस लेवल्स पे आते ही जैसे ये स्टॉक काफ़ी ही फेवरेट है इन्वेस्टर्स लोगों का और म्यूचुअल फंड्स वालों का, इस लेवल पे काफ़ी अच्छी बाइंग आते हुए आज ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया हुआ है। और अगर आप लास्ट कैंडल देखते हैं तो इसने बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम से और काफ़ी अच्छी प्राइसिंग से इसने 200 डे को कट करते हुए बुलिश कैंडल फॉर्म की है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि जो भी स्टॉक्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हुए हैं इनमें ब्रेकआउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप इन सब स्टॉक्स को अपने रडार पर रख सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं और इसी तरह टेक्निकल चार्ट्स को एनालाइज करके समझ सकते हैं कि स्टॉक्स ब्रेकआउट के लिए रेडी है या नहीं, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। बेस्ड ऑन दैट आप आपका कॉल ले सकते हो कि वेदर आपको स्टॉक में बाय करना है या आपको स्टॉक में सेल करना है। होप सो फ्रेंड्स, आपको आज का ये हमारा वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगेगा, आपको ये हेल्प करेगा टू एनालाइज द स्टॉक्स। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक्स, शेयर योर कमेंट्स, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने लोगों को टेक्निकली स्टॉक्स के बारे में मालूम पड़ेगा उनके लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो ओके गाइस, एंजॉय ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। थैंक्स एंड बाय बाय।